Hello students, how are you? I think you all have been doing well about your studies, especially with my YouTube channel English Classes Sanjeev Goswami. Today we are going to know about the very first lesson of English Reader for class 10 UP board, okay? And the name of the lesson is A Letter to God, and the writer is G. L. Fuentes. Dear ones, it's a very interesting lesson as well as it is a very important lesson for the perspectives of board examination. Okay, now I am going to tell you about the outline of the story, the summary of the story, and these are the very important lines about the story. And in these few lines, 4, 5, 6, 7 lines, you can understand everything about the story. Got it? Now, I would like to begin the story with you. Lencho is the central figure of the story. Okay? इस कहानी का जो central figure है, जो मुख्य पात्र है, उसका नाम है लेंचो. He is a very poor but a very hard working farmer. वह गरीब है लेकिन बहुत ही मेहनत करने वाला किसान है. दिन रात अपने खेतों में काम करता रहता है. बट द प्रॉब्लम इज दैट ही हैज़ अ बिग फैमिली. उसका बड़ा परिवार है. ही हैज़ सो मैनी चिल्ड्रन. बहुत से बच्चे हैं उसके. लाइक ऑल अदर फार्मर्स एंड हार्ड वर्किंग पीपल हु कैन नॉट कंट्रोल अबाउट दीज थिंग्स, स्पेशली अबाउट फैमिली प्लानिंग. ओके, तो उसका एक बड़ा परिवार है, बच्चे हैं कई. बट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है थ्रू आउट द ईयर, इट वॉज अ गुड क्रॉप इन हिज फील्ड. उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल है. कॉर्न है, मक्के की फसल है, मकई. ठीक है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी. एंड वन डे ही वॉज वेटिंग फॉर सम रेन. एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वहाँ घर के पास में उसका खेत है, तो वो वेट कर रहा है कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए या फिर कम से कम हल्की सी बौछार ही हो जाए जिससे उसके खेतों को थोड़ा पानी मिल जाए और उसकी फसल जिस पानी मांग रही है उस वक्त वो हो जाए. अचानक क्या देखता है, आसमान में काले काले बादल आ जाते हैं. जैसे वो आपने सुना होगा वो गाना, घिराए काले काले बदरा टाइप, यू नो. एंड द होल एटमॉस्फेयर इज सो गुड. सब बड़े खुश हो जाते हैं. सारे बच्चे आसपास के खेतों में जाके खेलने लगते हैं. थोड़ी देर में पानी और तेज हो जाता है और वो बच्चे उस पानी में, उस मिट्टी में, कीचड़ में खेल कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं. अचानक लेंचो की पत्नी ने बच्चों को आवाज़ लगाई, कुछ नाश्ता कर लीजिए. बच्चे सब खुश हैं, सब नाश्ता पानी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस रेन का, लाइक ऑल अदर फार्मर्स डू. सडनली व्हाट हैपेंस डियर वंस, अचानक क्या होता है, बहुत ज़ोरों से ओलों की बारिश होने लगती है. इन द बिगिनिंग दे स्टार्टेड इन वेरी स्मॉल पीसेस लाइक 10, 5 सेंट्स. शुरू में तो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं बर्फ़ के. तो लेंचो कहता है कि ये कॉइन्स गिर रहे हैं. सडनली जो पानी की बूंदें थीं, जो बड़ी बड़ी बूंदें थीं, वो बड़े बड़े पत्थरों में बदल गईं. पहले छोटों में, फिर बड़ों में. अल्टीमेटली इट हैपेंड इन हाफ एन आवर द होल फील्ड वाज कवर्ड विद लाइक वाइट मार्बल्स. ऐसा लगा कि पूरा खेत जो था वो सफ़ेद पत्थरों से ढक गया. Just like that, the writer G. L. Fuentes has said that it was just like that. The field was covered with salts. बड़े बड़े जैसे नमक के ढेले होते हैं, वो एकदम पूरे खेतों पर पड़ गए. And the result is, dear ones, the whole crops of Lencho was destroyed because of hailstone. Hailstones destroyed all his works, and Lencho was full of sorrow. His family was, very upset, full of stress, and all those people could not sleep that night. बहुत restless night थी. रात भर परेशान रहा, क्या करें, कोई और रास्ता नहीं था. सारी मेहनत बर्बाद हो गई. On the next Monday, बच्चों, उसने क्या सोचा? He decided to go to the post office and Surprisingly, he decided to write a letter to God, which is the name of the lesson. कहते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो तेरे दर का रास्ता तो खुला है. और हमारा लेंचो, इस कहानी का जो किरदार है, सबसे बड़ा मुख्य किरदार है, हीरो है, वो उस दरवाजे पर दस्तक देता है. वो एक लेटर लिखता है गॉड के लिए, और बड़ा मज़ेदार लेटर लिखता है. एक तरह से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही हक के साथ वो एक डिमांड करता है कि मुझे 100 पिज़ॉस की वहाँ की जो करेंसी है, मुझे 100 पिज़ॉस चाहिए, 50 पिज़ॉस या उसके आसपास चाहिए मुझे दोबारा फसल लगाने के लिए, और बाकी के जो 50 या उसके आसपास जो पिज़ॉस हैं वो मुझको चाहिए अगली फसल तैयार होने तक परिवार को पालने के लिए. सो ही आस्क्ड फॉर 100 पिज़ॉस. जब ये लेटर एक पोस्टमैन के पास गया, उसने जब वो कलेक्ट किया, उसने ऊपर एड्रेस देखा टू गॉड. ही वॉज अमेज्ड, ही वॉज सरप्राइज. उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि पहली बार उसने इस एड्रेस को किसी लेटर पर देखा. वो गया पोस्ट मास्टर के पास, उन्होंने कहा साहब, मैं कॉमिक अंदाज में कह देता हूँ, क्लास में यहाँ भी कह दूँगा, उसने कहा साहब ये एड्रेस तो मैंने कहीं देखा नहीं, अगर आपकी नज़र में हो तो बताइए, वहाँ चले जा रहे हैं. पोस्ट मास्टर बड़ा ही जॉली नेचर्ड है, बड़ा ज़ोर से हंसता है इस बात पर, और फिर एकदम सीरियस होकर कहता है कि यार पहली बार मैंने देखा कि किसी को ईश्वर पर इतना भरोसा हो सकता है वो लेटर लिखते हैं. एंड दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, डियर स्टूडेंट्स, कि कहानी के पीछे की कहानी है. क्या हमें उस ईश्वर पर इतना भरोसा हो सकता है जैसे लेंचो को हुआ? एंड दिस इज़ द USP ऑफ द स्टोरी which has tried Mr. G. L. Fuentes with his magic of writing. वो अपने दोस्तों से कहता है पोस्टमास्टर की, भाई चलो इसकी मदद करते हैं और इसका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि कितना है ईश्वर में. वो सारे लोगों से पैसे इकट्ठे करता है, खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट देता है. बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ऑल ऑफ देम टू कलेक्ट 100 पिज़ॉस. इट वॉज क्वाइट हैंडसम सम, यू नो, अमाउंट ऑफ मनी. तो दे कुड कलेक्ट ओनली 70 पिज़ॉस और सो 70 पिज़ॉस के आसपास लिफाफे में रखते हैं. और अगले दिन लेंचो आता है, जब वो लिफाफा देखता है अपने नाम का, वो तुरंत पैसे गिनता है. एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन एक्सपीरियंस्ड बाय द पोस्ट मास्टर फ्रॉम द होल ऑफ द डोर और समवेयर एल्स मे बी. जब वो देखता है कि लेंचो ने उन पैसों को गिना, गिनते गिनते उसके चेहरे पर बड़ी सी एकदम गुस्सा सा आ गया, और फिर एक लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि टू गॉड, सर जो पैसे आपने भेजे मुझे मिल गए, बट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट आई कुड रिसीव ओनली हाफ और मोर देन हाफ विच यू हैव सेंट टू मी. वो ये कभी नहीं कहता लेटर में कि आपने मुझे कम पैसे दिए, ना ही उसको ऐसा विश्वास है कि ईश्वर उसे मदद करेगा तो कम करेगा या ज़्यादा करेगा, थोड़ा करेगा या पूरे ज़रूरत से कुछ कम करेगा. उसका पूरा यकीन था कि 100 पिज़ॉस मांगे तो गॉड 100 पिज़ॉस देंगे. लेकिन ये 30 पिज़ॉस कम हुए, बड़ा मज़ेदार पार्ट है इस कहानी का, इंटरेस्टिंग है, ड्रामा है इसमें बड़ा मज़ेदार. तो वो लिखता है कि सर सेंड मी रेस्ट ऑफ द मनी विच आई रिक्वायर टू मच, बाकी का पैसा भेजिए मुझे बहुत ज़रूरत है. ही वॉज वेरी एंग्री एंड रिप्लाइड बट डोंट सेंड द रेस्ट ऑफ दिस मनी, दिस अमाउंट थ्रू मेल, थ्रू दिस लेटर, थ्रू दिस पोस्ट ऑफिस जनरल. मुझे पूरा भरोसा है कि महाराज ईश्वर गॉड कि बाकी का पैसा मुझे दें, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के जरिए ना दें, बिकॉज ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ क्रूक्स. कि मेरा भरोसा इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से उठ गया है. आपने 100 रुपये भेजे थे साहब, मुझे 70 ही मिले, 100 पिज़ॉस में 30 में इन्होंने मार लिए. प्लीज़ ऐसा करिए, मेरे पैसे दीजिए बाकी. कितना कॉन्फिडेंस है उसको. जब ये पढ़ता है पोस्ट मास्टर तो बड़ा अजीब लगता है उसे, कि एक तो थोड़ा गुस्सा तो आता ही है कि वो उन सबको बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा है. उसे ऐसा लगा, होना लगना भी चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा कि लेंचो का जो विश्वास है, और यही इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल थॉट है, इसेंस ऑफ द स्टोरी है बच्चों, कि लेंचो ने इस कहानी के माध्यम से हमें वो विश्वास दिलाया कि अगर हम चाहें तो भगवान पर विश्वास कर सकते हैं, और ऐसा करने वाले बड़े कम लोग हैं। सो आई थिंक आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे, इसमें से एक पैराग्राफ आ सकता है, इसके आप आंसर पिक करें। मैचिंग वर्ड्स आते हैं इंग्लिश रीडर के, वो भी आप तैयार करें, ठीक है। कोई और हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे, ओके। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर, अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस तरह हाई स्कूल के बाकी जो लेसन्स हैं, पोएम्स हैं, जो भी इसका सिलेबस है, हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।